फैक्टर हमारे बाजार में तो एक्शन चल ही रहा है। महीने की शुरुआत है, कल 1 तारीख है और उसका मतलब है कि ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। कैसे रहे फरवरी महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े, आइए जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए किस तरह की रही इस बार बिक्री? दीपांशु, ठीक ठाक बिक्री अक्रॉस अगर मैं देख रहा हूँ, पीवी में हो, टू व्हीलर्स में हो, ट्रैक्टर की बिक्री हो, कहीं ज्यादा बढ़त नहीं है तो कहीं ज्यादा गिरावट भी आपको नजर नहीं आएगी। साल दर साल ने इसे महीने दर महीने जो है हमने कंपेयर करके देखा है। और मारुति की अगर आप कुल बिक्री देखें तो यहाँ पर जो है 1,63,000 यूनिट का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी पिछले महीने के मुकाबले जो है आपको 6% की ग्रोथ नजर आएगी। वहीं M&M में अगर आप देखें तो इनके जो यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट है इसमें जो है 2.5% की जो है ग्रोथ है महीने दर महीने। और ट्रैक्टर बिक्री में अगर आप देखें तो मामूली 1% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स बाजार जो है कीनली इसके नंबर्स वॉच करेगा। यहां पर सीवी में देखें तो प्रदर्शन बढ़िया नजर आ रहा है, 9% की ग्रोथ है, लेकिन कार्स प्लस यूवी दोनों सेगमेंट को अगर आप मिला दें तो करीब 5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। हीरो के लिए तिमाही का माफी जगह जो महीना है बिक्री के लिहाज से काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि पिछले महीने के मुकाबले जो यहां पर बिक्री है टू व्हीलर्स की इसमें 13% का इजाफा है। इनफैक्ट मैं देख भी रहा हूं कि टू व्हीलर्स में अगर आप देखें तो हीरो का प्रदर्शन जो है आपको अच्छी साइड पर देखने को मिलेगा। वहीं बजाज ऑटो की बात की जाए तो यहां पर जो टू व्हीलर की बिक्री है इसमें करीब 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। टीवीएस मोटर्स दोनों जो सेगमेंट है अलग अलग रिपोर्ट करता है, मोटरसाइकिल है और स्कूटर है, तो मोटरसाइकिल की जो बिक्री है केवल 2% बढ़ेगी और स्कूटर की बिक्री में भी अगर आप देखें तो मामूली अनचेंज्ड है, करीब करीब 1% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा। आयशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड का प्रदर्शन बिक्री के लिहाज से काफी बढ़िया, 7% की बढ़त यहां पर देखने को मिलेगी। और वॉल्वो आयशर जो कमर्शियल व्हीकल के लिए इनका जेवी है इसमें भी अगर आप देखें तो करीब 11% की ग्रोथ नजर आएगी। अशोक लेलैंड की बात की जाए तो यहां पर मामूली ग्रोथ है सीवी में। अशोक लेलैंड के वो जो नंबर आएंगे इतने खास नहीं है। और एस्कॉर्ट्स की बात की जाए तो यहां पर भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है, 26% की ग्रोथ जो है आपको महीने दर महीने नजर आएगी। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक नंबर्स आएंगे इस बार। तो अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, एटलीस्ट ठीक ठाक नंबर्स आ सकते हैं इस बार। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी इस पर हमें ऑटो बिक्री के परफॉर्मेंस। वागले साहब से एक बार जरा एस्कॉर्ट्स पर राय लेनी थी। वागले साहब एक्चुअली सुबह के क्योस में रह गया, बट झुंझुनवाला साहब ने थोड़ी हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है, जो कुबोटा को शेयर अलॉट करने थे वो प्रोसेस चल रहा है। एस्कॉर्ट जरा चार्ट पर राय दें सर, 1850। समाव चार्ट में कुछ ट्रेंड नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले जो गिरावट हुई थी वो लेवल ब्रेक जब तक नहीं करेगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मैं फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, अभी 1787-88 है। मेरा मानना है 1815-1820 जब तक क्रॉस नहीं करेगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हाँ, अगर क्रॉस करता है फिर 1880 तक जा सकता है, लेकिन फिर भी 1850-1900 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। जो क्रॉस इमीडिएटली नहीं करेगा तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में बिकवाली आ रही है।